Hello students, we have studied adjectives in our previous lesson. We know that they are qualifying words that qualify noun or pronoun. Adjective noun or pronoun ki visheshta batate hain. Today we will know the correct use of some adjectives. Aaj hum kuch adjectives ka sahi upyog janenge. Number one, first in order, kram mein pehla. We know it an ordinal adjective. Yeh ek ordinal adjective hai, yeh kram mein sabse pehle aata hai, jaise first rank in class. For example, Jawaharlal Nehru was the first prime minister of India. जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे. फर्स्ट टेक्स आर्टिकल द बिफोर इट. फर्स्ट के पहले द आर्टिकल लगाते हैं. नंबर टू इज फॉरमोस्ट. इट मीन्स लीडिंग और मोस्ट एमिनेंट. सबसे प्रमुख, श्रेष्ठ, प्रथम, महत्वपूर्ण. फॉर एग्जाम्पल, विराट कोहली इज द फॉरमोस्ट क्रिकेटर ऑफ इंडिया. विराट कोहली प्रमुख क्रिकेटर है. नंबर थ्री फादर. इट इज द कंपेरेटिव ऑफ फार. इट डिनोट्स अ ग्रेटर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. यह फार का कंपेरेटिव डिग्री है. फार यानी दूर होता है, जो दो जगहों के बीच की तुलनात्मक दूरी को बताता है. फॉर एग्जाम्पल, जयपुर इज फार्दर टू कोटा देन अजमेर. जयपुर कोटा से अजमेर से ज़्यादा दूर है. नंबर फोर इज फर्दर. द कंपेरेटिव ऑफ फार. इट इज़ ऑल्सो कंपेरेटिव ऑफ फार. इसका अर्थ ज़्यादा आगे है. इट डिनोट्स मीनिंग मच. यह ज़्यादा के अर्थ में होता है. फॉर एग्जाम्पल, वेन वी गो फ्रॉम जयपुर टू बूंदी, इफ़ वी विल ट्रेवल फर्दर देन वी विल रीच कोटा. जब हम जयपुर से बूंदी जाते हैं तो और आगे जाने पर हम कोटा पहुँचते हैं. फर्दर दूरी के लिए होता है और फर्दर ज़्यादा के लिए होता है, ज़्यादा दूर. नंबर फाइव, लेटर लेटर लेटेस्ट लास्ट. लेटर डिनोट्स टाइम. लेटर समय को बताता है. लेटर मीन्स मोर लेट इन टाइम. लेटर का अर्थ समय में ज़्यादा देर से होता है. नंबर टू लेटेस्ट मीन्स लास्ट अप टू नाउ ओनली. अभी तक का सबसे अंतिम मीन्स सबसे नया. अभी तक की सबसे आखिरी मीन्स नई न्यूज़, लेटेस्ट न्यूज़ कहलाती है. नंबर थ्री लेटर इज़ द अपोजिट ऑफ फॉर्मर. और लेटर का मीन्स बाद का, क्रम में दूसरा. फॉर्मर यानी भूतपूर्व का अपोजिट लेटर होता है. लास्ट, लास्ट को हम सब जानते हैं, अंतिम, फाइनल कहते हैं. हियर इज द एग्जांपल्स. नंबर वन, ही केम लेटर देन आई एक्सपेक्टेड. मेरी अपेक्षा की तुलना में वह देर से आया. मीन्स मैंने सोचा था वह जल्दी आ जाएगा. नंबर टू, रमन एंड सुरेश आर गुड प्लेयर्स. द लेटर इज माई फ्रेंड. रमेश और सुरेश अच्छे खिलाड़ी हैं. बाद वाला यानी सुरेश मेरा दोस्त है. नंबर थ्री, रमन वॉज द लास्ट स्पीकर. यह तो सबको आता है. नंबर फोर, वॉट इज़ द लेटेस्ट न्यूज़. ये भी हम सब जानते हैं कि लेटेस्ट न्यूज़ क्या है. आत्मनिर्भर भारत इज़ द लेटेस्ट न्यूज़ ऑफ टुडे. लास्ट एंड लेटेस्ट के पहले डेफिनेट आर्टिकल लगता है. सो एस. नंबर सिक्स, सो एस. एज एस. एज एस इज यूज्ड विद पॉजिटिव स्टेटमेंट. सो एस इज यूज्ड विद नेगेटिव स्टेटमेंट. फॉर एग्जांपल, शी इज एस कनिंग एस फॉक्स. वह उतनी चालाक है जितनी एक लोमड़. नंबर टू, शी इज नॉट सो कनिंग एस हर सिस्टर. वह उतनी चालाक नहीं है जितनी कि उसकी बहन. So student, I hope you have understood today's topic. It's beneficial when you will attempt competitive exams. I will meet again on another trip of grammar. Till then, keep learning, keep growing. Thank you.